नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। और आज जिस कलाकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में उनकी कही सिर्फ एक लाइन ही काफ़ी है। वो कहते हैं, प्ले द म्यूज़िक नॉट द इंस्ट्रूमेंट। मैं बेहद विनम्रता से आमंत्रित कर रहा हूँ सितार वादक चंद्रशेखर फनसे जी को। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते चंद्रशेखर जी। जिस लाइन से आपकी कही मैंने आपका परिचय कराया, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आम संगीत प्रेमियों के लिए इस लाइन को ही डिस्क्राइब करें, बताएं कि असल में आप क्या कहना चाहते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट का मकसद होता है टू प्ले म्यूजिक ऑन दैट, उसके ऊपर संगीत बजाया जाए। फ्लूट, वायलिन हो या चेलो, हार्प, कोई भी लोक संगीत का भी वाद्य हो, हम उस पर क्या बजाते हैं तो संगीत बजाते हैं। संगीत बजाने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को, वाद्य को अपने को मास्टर करना पड़ता है। उसके ऊपर रियाज करके, प्रैक्टिस करके उसकी छोटी छोटी जो खासियतें हैं उसको अपना अपने हाथ में लाना पड़ता है। तो होता ये है कि जब हाथ में मास्टरी आती है, थोड़ी कलाकारी आ जाती है, तो कलाकारी दिखाने में आर्टिस्ट बिजी हो जाते हैं। मतलब उस पर म्यूजिक बजाना ये भूल जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का मकसद ही है, इंटेंशन टू प्ले इंस्ट्रूमेंट इज टू प्ले द म्यूजिक ऑन दैट एंड नॉट अपनी कलाकारी दिखाना और या अपनी रियाज दिखाना, वो इंस्ट्रूमेंट का मकसद नहीं है। इसलिए मैं ये अपने लिए ये चाहता हूँ कि जो अपने मन में म्यूजिक है वो उसमें से किस तरह से निकले, वो अपने को देखना चाहिए और उसका अपने को प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ना कि अपना जो रियाज करके जो कैपेसिटी हमने हासिल की है, मास्टरी जो हासिल की है, वो लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं। वो दिखाना लेकिन एस्थेटिकली, कलात्मक रीति से, जिससे संगीत हो, जिसमें म्यूजिक निकले। इसलिए मैं ये हमेशा चाहता हूँ, गायक भी हो या वादक हो, कि अपने को म्यूजिक की साधना करनी है, अपने को संगीत की साधना करनी है। मेरी म्यूजिक की साधना सितार के जरिए कर रहा हूँ, कोई फ्लूट के जरिए करेगा, कोई सरोद के जरिए, लेकिन सबका इंटेंशन एक ही है कि संगीत की साधना। इसलिए अपने म्यूजिक, अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने वाद्य से संगीत निकले और अपना खासियत दिखाने का, अपना प्रैक्टिस दिखाने का वो जरिया नहीं है। ये मैं चाहता हूँ, ये मैं, माई इंटेंशन इज टू प्ले म्यूजिक एंड नॉट द इंस्ट्रूमेंट। चंद्रशेखर जी, हम इस इंटरव्यू की सिलसिलेवार शुरुआत करें उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, मैं देख रहा हूं आपके हाथ में बड़ा पवित्र सितार है, कोई भजन जिससे इस इंटरव्यू की शुरुआत हो। आजकल के मोस्ट पॉपुलर कंपोजर A.R. रहमान, उनकी एक रचना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा चंद्रशेखर जी, मैं इस इंटरव्यू में जब भी मेहमानों से बात करता हूं तो उनको उनके बचपन में ज़रूर ले जाता हूं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका बचपन कैसा था और संगीत के जो संस्कार हैं वो कहां से आए। मेरे बचपन के बारे में अगर मैं सोचता हूं तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि तब हमारे घर में रेडियो था, मतलब हमारी जो वो चाल थी, बिल्डिंग थी,
उसमें रेडियो सिर्फ हमारे मेरे पिताजी के पास था, तो सब लोग वहाँ रेडियो सुनने आते थे, सब लोग मिलकर रेडियो में गाने सुनते थे। तो बीइंग अ चाइल्ड, इवन आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई यूज्ड टू सिट विद दोस पीपल एंड लिसन टू द म्यूजिक एंड यूज्ड टू एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय द सॉन्ग्स। तब लोगों को ताज्जुब होता था कि छोटा बच्चा है फिर भी देखो गाने सुनने हमारे साथ बैठ गया है, वरना मेरे एज के लोग को गाने नहीं सुनते थे, रेडियो नहीं सुनते थे, कहीं खेलते थे, कुछ करते थे। तो तब से मेरे पिताजी ने, माँ पिताजी ने ये देखा कि मेरे में म्यूजिक का अंश कुछ होगा, है कुछ। और फिर धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उस जमाने के सॉन्ग्स, राज कपूर जी के सॉन्ग्स या देवानंद के सॉन्ग मैं बहुत ऐसे गाता था, इमिटेट करता था। मराठी सॉन्ग्स, बहुत से मराठी सॉन्ग्स में गाने की ऐसे कोशिश करता था, अगर रेडियो पे गाना लगे तो मैं इतना ही, मैं बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता था। इतना ही मेरे बचपन का म्यूजिक के बारे में संबंध था, अर्ली चाइल्डहुड आई कैन से। बट फिर मेरे पिताजी ने, जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में आया तब मुझे वोकल का शिक्षण शुरू किया, वोकल ट्रेनिंग। टीचर टू कम एंड टीच मी वोकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। मैंने 3 परीक्षा भी दी गांधर्व मंडल की। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे गुरु जी गुजर गए। फिर वो हारमोनियम घर में था, तो मैं हारमोनियम लेकर निकाल कर ऐसे अपने आप ही बजाता था। और उस जमाने वो ट्रांजिस्टर हुआ करता था, रेडियो, छोटा रेडियो, तो छोटा ट्रांजिस्टर सामने रख के उस पर विविध भारती लगा कर जो भी गाना आता था मैं उसको फॉलो करता था अपने आप से ही। बट बहुत से गाने मैं फॉलो नहीं कर सकता था। अगर एक आध गाना मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं वो वीडियो बंद करके वो गाना मैं सेट करता था मेरे हिसाब से, अकेले, ना गुरु ना कोई कुछ। फिर यही मेरी हैबिट लग गई और मैंने बहुत से गाने हारमोनियम पे सेट किए। और फिर हारमोनियम पे मैं बहुत से गाने बजाता था, वो नवरात्रि में ऐसे सब में छोटे छोटे फंक्शन में हारमोनियम बजाता था। और फिर जब 10th में आया, 9th में, 10th में, तो मैंने ये तक नक्की कर दिया कि मुझे प्रॉपर म्यूजिक ही सीखना है और मुझे प्रोफेशन म्यूजिक ही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना, बस मुझे सीखना भी नहीं, कुछ नहीं, ओनली म्यूजिक, ये मैंने फिर नक्की कर दिया। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल था चंद्रशेखर जी की, जो जब आपने तय किया कि सितार बजाना है तो फिर गुरुओं की तलाश कैसे पूरी हुई, किन किन गुरुओं से आपको आशीर्वाद मिला, किन किन गुरुओं ने आपके हुनर को और तराशा, उसके बारे में बताइए। मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, वही मेरा गुरु है, जनार्दन जी, जिसको हम प्यार से जनू बोलते थे, जनू, जनार्दन, स्कूल का फ्रेंड। वो सितार बजाता था, मैं उससे बहुत फैसिनेट हो गया था वो सितार उसका सुन के। हमारी बिल्डिंग में एक आंटी थी, वो भी, उसने एक बार कुछ फंक्शन में सितार बजाया था, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में सितार सुना और मुझे बहुत फैसिनेशन हो गया था। तो जनार्दन से मैंने इंस्पिरेशन लेके उसके साथ मैंने सितार शुरू भी किया। फिर पंडित कार्तिक कुमार जी से भी शिक्षा ली मैंने। मैंने भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ से विशारद और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। और तत्पश्चात मुझे मालूम पड़ा कि अपने को एमए बनकर भी बहुत कुछ सीखने का बाकी है। तब बाकायदा आगरा घराने के गायक पंडित वी आर राठौर जी और पंडित दिनकर जी बैकिंग जी से मैंने प्रॉपर गायकी का और जोड़, जिसको नोमतोम या रागों की शुद्धता, इस सब बारे में मैंने शिक्षा ली। इनफैक्ट आई मेट आठवले जी फॉर माय संगीत प्रवीण विच इज इक्विवेलेंट टू PhD, लेकिन उसमें बहुत थ्योरी वर्क था, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता चाहिए ऐसा था। तो मेरे गुरु जी आठवले जी ने, वीर आठवले ने मुझे ये सजेशन दिया कि तुम यंग हो, क्रिएटिव हो, तो तुम रियाज करो और प्रेजेंटेशन करो, प्रोग्राम्स बजाओ, अभी तुम यंग हो तो तुमको वो करना चाहिए। तो मुझे भी वो लगा और फिर मैंने छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे NCPA, कल के कलाकार, इन जगहों पर मैंने बजाना शुरू किया। और आपको तो गॉड ऑफ सरोज जिनको कहा जाता है, यानी उस्ताद अमजद अली खान साहब का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, वो अनुभव कैसा था? मेरा बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की देन है कि मैं उस्ताद जी से मेरी मुलाकात हुई और उस्ताद जी के साथ जो मेरा साथ रहा उससे मेरे म्यूजिकलिटी में बहुत ही फर्क पड़ गया, बहुत ही चेंज आ गया, बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और NCPA ने एक सेमिनार अरेंज किया था फॉर यंग आर्टिस्ट्स,
एंड NCPA हैड सिलेक्टेड द आर्टिस्ट जिन्होंने NCPA में परफॉर्म किया है और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था उस वक्त, तो उस उन कलाकारों को NCPA ने इनवाइट किया था। फॉर्चुनेटली दे इनवाइटेड मी ऑल्सो। तो खान साहब के साथ, उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ एक हफ्ता पूरा मंडे टू सैटरडे उनके साथ रह के उनसे सुबह शाम उनसे शिक्षा लेना, ये हमारे भाग्य में लिखा था और जो हमें प्राप्त हुआ। और उनसे बहुत सी बातें म्यूज़िक के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लाइफ के बारे में मालूम पड़ी। और इट वॉज माई ग्रेट प्लेजर, माई ग्रेट ऑनर टू बी विथ हिम। एंड फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर मैं उनसे गुजारिश की क्या मैं आपसे फर्दर ट्रेनिंग भी कुछ ले सकता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे हामी एंड इट वॉज सो काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे तत्पश्चात आज तक कल तक उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। अभी मेरा जो शिवरंजनी मैंने एक जो प्रोजेक्ट किया है, तो उस शिवरंजनी प्रोजेक्ट में शिवजी मतलब भगवान शिव के बारे में मैंने राग बजाया है, उनके नाम से जो प्रचलित राग है उसमें उस्ताद जी का बजाया हुआ एक राग है, राग शिवरंजन, राग शिव कल्याण। तो वो शिव कल्याण के बारे में भी उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है। तो उनका अभी तक मेरे सर पर हाथ है एंड ऐसे ही बना रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। चंद्रशेखर जी, इससे पहले कि आगे बढ़ें, फिर से गुजारिश करूंगा कि कोई राग जो आप हमें बजाकर सुनाना चाहें सितार पर। जब 1983 में उस्ताद अमजद अली खान साहब का कॉन्सर्ट जब शंभूखंड में मैंने फर्स्ट टाइम सुना, तब उन्होंने दो राग बजाए, राग शुद्ध कल्याण और राग दुर्गा। जब उन्होंने दुर्गा राग बजाया था तब मुझे इतना इंस्पिरेशन हुआ था, इतना ऐसे स्वर्गीय सुख जिसको कहते हैं, इतना मजा आया था उसमें। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको कभी बजा भी सकूँ, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई थी 1997, तब उन्होंने हमको राग दुर्गा के बारे में ये बंदिश हमको बाकायदा सिखाई और बहुत सी बातें राग दुर्गा के बारे में की। तो मैं उनकी उनको ये समर्पित करता हूँ और राग दुर्गा आपके लिए पेश करता हूँ, थोड़ा आलाप करके फिर चिंता में बना आलाप। Thank you.
अच्छा, आप आपके बारे में जहाँ भी मैं पढ़ता हूँ लिखा होता है सिंगिंग सितार, यानी एक ऐसा सितार जो गाता हो, तो ये जो गायकी अंग होता है सितार में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है कि बचपन से ही मुझे हारमोनियम पर गाने बजाने का मुझे बड़ा अच्छा शौक था, मुझे अच्छा लगता था। आई टू प्ले दोज कंटेम्पररी सॉन्ग्स ऑन द हारमोनियम, तो ये हैबिट थी, ये चाह थी, तो मैंने हारमोनियम पे जैसे गाने बजाता था ऐसे मैंने सितार की शुरुआत की। अब बजा के देखा, राग बेस्ड गाने थोड़े बजा के देखा, अच्छे लगने लगे, तो धीरे धीरे वो मेरी चाह बढ़ती गई और फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग मराठी सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, अलग अलग टाइप के सॉन्ग, अलग अलग टाइप के धुने जो अच्छा लगने लगा। इंसिडेंटली फिर कार्यक्रम भी होने लगे। पंडित अमरेंद्र धनेश्वर जी ने मुझे सबसे पहला कार्यक्रम इस तरह का दिया था, जो मैंने मराठी सॉन्ग्स बजाए थे, पूरा 2.5 घंटे का मैंने प्रोग्राम किया, ओनली ऑन द सितार, ऑल मराठी सॉन्ग्स, नाट्य संगीत हो, उसमें लावणी भी थी, उसमें भक्ति संगीत भी था, भावगीत भी। तो फिर मेरी चाह और मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया और लोगों को भी वो बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर मराठी के साथ हिंदी सॉन्ग भी बजाया मैंने, कम सप्टेम्बर भी बजाया। मैंने ये देखा है कि मैं जो सितार बजाता हूँ, जो ये सितार है, अगर आप देखेंगे तो इसमें डबल तुम्बा लगा हुआ है, जिसको कॉन्सर्ट सितार, प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको बोलते कॉन्सर्ट सितार, मतलब पूरे क्लासिकल म्यूजिक जिस पे बजाया जाता है, ये टाइप की सितार है, खरज पंचम की, मतलब इसमें अति मंदर सप्तक भी होता है जिसे खरज पंचम कहते हैं। तो खरज पंचम की सितार पे मैं सॉन्ग्स बजाता हूँ और इस कारण उसका जो डेप्थ है, सुर का टोनल क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छा आता है। उसमें मुझे पिकअप लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पिकअप नहीं है, आजकल पिकअप लगाते हैं और उसका एम्पलीफायर में सीधा कनेक्शन दे देते हैं, तो थोड़ा तुम ऐसा टच करो तो भी आवाज़ बढ़िया आ जाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं है, ये एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली मैन्युअल, और इसमें आप, मैं जब कोई भी इसमें खरज पंचम की सितार में बजाता है, जो सितार इसको वो जानते हैं कि इसकी एक डेप्थ होती है ये साउंड में, तो उस डेप्थ के साथ गाना बजाने के कारण गाना अच्छा इफेक्टिव हो जाता है। और जैसे सितार में क्विंतन, जमजमा, खटका, घसीट, ये सब टेक्निक्स है, तो उन सब टेक्निक्स का गाने बजाते समय मेरे हिसाब से ऑप्टिमम यूज़ उसका मैं करता हूँ। मतलब जिस जहाँ मैं, और मैं हर एक गाने का अलग अलग टाइप से बजा के देखता हूँ, कोई एक जगह मीट करके देखता हूँ, या तो घसीट करके देखता हूँ, या ऐसे करके अलग अलग टाइप से मैं करते जाता हूँ। और फिर जो लगे अच्छा, और मेरे जो संपर्क में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं शेयर करता हूँ, देखो कैसा लग रहा है, ऐसा बजाना अच्छा लगेगा या वैसा बजाना अच्छा लगेगा, तो ये सब मैं शेयर करके उनके साथ डिस्कस करके फिर मैं फाइनल सॉन्ग सेट करता हूँ। इसलिए मैं खुद इंजॉय करता हूँ और आप जैसे लोग हैं जो मेरा म्यूजिक जिनको अच्छा लगता है वो भी बड़े सराहनीय होते हैं, लेकिन बेसिकली नो एडजस्टमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज, दैट इज व्हाट आई सी टू इट, आई विल नॉट डू एनी एडजस्टमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज। एक सवाल मेरा और आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो आपकी जो शिक्षा है वो इकोनॉमिक्स में है, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, इन दोनों विषयों के साथ सितार ये कैसे आया? आई एम कमिंग फ्रॉम अ टिपिकल महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें सर्विस करना, नौकरी करना, यही प्रोफेशन है। जो कोई बिजनेस करना या कुछ दूसरा कुछ करना, ये हमारे टाइप की फैमिली में उस जमाने में एक्सेप्टेड नहीं था, डर था कि चले ना चले, उसे अच्छा नौकरी करो अच्छा है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि मैं कम से कम बीए करूँ पास, तो बीए पास हो जाता हूँ तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, फिर इंस्ट्रूमेंट सितार तो होता रहेगा, उसमें क्या होगा, ऐसा उनको लगता था। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने मुझे कही, या उन्होंने नॉट ओनली कही, ही इंसिस्टेड, ही फोर्स्ड मी टू डू बीए, जो मैंने करने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि ये बहुत ज़रूरी था। म्यूज़िक तो ज़रूरी है, म्यूज़िक अपनी चाह है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। और बिकॉज आई वॉज बीए, आई वॉज एबल टू डू माई एम ए इन म्यूज़िक, मैंने बीए विद फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स किया है, प्लस मैंने बी म्यूज, मतलब बैचलर ऑफ म्यूज़िक विशारद, वाद्य विशारद सितार, ये मैंने भातखंडे विद्यापीठ से किया। तो
तो बिकॉज आई वॉज बी ए इन फ्रॉम स्टैच्यूटरी यूनिवर्सिटी आई वॉज अलाउड टू डू एम ए इन सितार। तो अगर मैं बी ए नहीं करता था तो मैं एम ए नहीं कर सकता था, क्योंकि एम म्यूज करके होता है संगीत निपुण, वो करना पड़ता था। तो लेकिन अभी मेरे पास एम ए की स्टैच्यूटरी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो बी ए करने का बड़ा फायदा हुआ है मुझे। और मेरे पिताजी ने जो मुझे फोर्स किया, उस जमाने में मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई करना, लेकिन अब मालूम पड़ता है कि वो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरे पिताजी की थी कि जो उन्होंने मुझे फोर्सफुली मैंने बी ए करवाया। और बी ए तो मैंने जस्ट पास किया, आई गॉट हार्डली सम 37% मार्क्स इन बी ए। लेकिन एम ए आई वॉज आई स्टूड सेकेंड इन द मेरिट एंड आई गॉट फर्स्ट क्लास ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्ट से किया था खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। इन दोनों आप पंडित जी किस किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? गए दशक में से फ्रॉम 2010 मुझे मेरे जो साथ जो मेरे शिष्यगण मेरे दोस्त लोग हैं उनकी सहायता से बहुत कुछ जो मन में था वो कर सका। अलग अलग प्रोजेक्ट्स सितार के जरिए हमने किए। श्रुति संगम, जिसे साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, इवन राग अनोखे जो एक्सेप्शनल राग है उनके बारे में हमने एक प्रोग्राम किया है। एक प्रोग्राम हमने ये भी किया है कि जिसमें षड्ज चालन, ये एक क्रिया है षड्ज चालन, सा चेंज करना, मतलब राग भूपाली के स्वरों में और चार राग भूपाली प्लस फोर राग, टोटल फाइव राग, हर एक स्वर को सा पकड़ कर सा मान के अलग अलग राग बन जाता है। ये म्यूजिशियंस जानते हैं ये बात को, षड्ज चालन। तो हमने उसके बारे में भी एक प्रोग्राम कॉन्सर्ट लाइव कॉन्सर्ट किया है, सुबह सितार ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके। एज फार एज यूट्यूब चैनल इज कंसर्न, फिर यूट्यूब चैनल भी शुरुआत हो गया 2013 से, तो उसमें लाइव कॉन्सर्ट हम तो प्रेजेंट करते ही हैं। इवन लॉकडाउन के समय भी गए, एक साल में भी हमने कई प्रोजेक्ट्स किए, उसमें वेबिनार्स किए हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, सुरभाव के बारे में प्रोग्राम्स किए हैं। और नव रागिनी नव ताल, ये नवरात्रि में हमने प्रोग्राम किया था, एक सीरीज की थी। नवरात्रि के हर दिन पे एक देवी माँ के नाम से जो राग है वो हमने पेश किए, राइट अप टू दशहरा, लंका दहन सारंग एक राग है हिंदुस्तान से। भूपेश्वरी एक राग हमने अभी प्रोजेक्ट किया था, भूपेश्वरी जो भूपेश्वरी बहुत रेयर राग है, लेकिन उसमें मराठी भावगीत, गजल, क्लासिकल सितार, सुरबहार और इवन कव्वाली हमने पेश की थी। मॉर्निंग रागमाला 2021 में एक मिनट का एक राग, इस तरह से 2021 को वेलकम करने के लिए 21 राग, सुबह के 21 राग एक मिनट में एक राग करके हमने एक प्रोजेक्ट किया था। सितार 2020 किया था, 2020 में जब 20 सितारों ने एक राग बजाई थी, अभी एक सितार पे 21 राग बजाए थे। अलग अलग इंटरेस्टिंग बातें हम करते रहते हैं, मैं मेरे दोस्त मेरे स्टूडेंट्स मिलकर। अब जो नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट इज राइट नाउ इट इज ऑन, दैट इज शिव रंजनी, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव के नाम से प्रचलित राग 6 राग हमने पेश, और ऑलरेडी 5 हो चुके हैं। एक महाशिवरात्रि के दिन, मतलब कल के दिन आएगा, जब ये इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा तब तक ये हो चुका होगा। और आप जो कह रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट कौन सा है, तो अभी इसके बारे बाद हमने सोचा है कि एन ओडिसी ऑफ स्ट्रिंग्स करके एक प्रोजेक्ट हमने आपके लिए है, जिसमें स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट का विकास कैसे हुआ था, या इंस्ट्रूमेंट का विकास या म्यूजिक का विकास कैसे हुआ था इन परटेनिंग टू स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। लाइक सबसे पहले शंखनाद था, फिर ओम, ध्रुपद, ख्याल, गजल, ठुमरी, ये सब का उसमें हम प्रेजेंटेशन करेंगे, राइट अप टू फ्यूजन। ये हमने नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जैसे भी कंडीशन सब नॉर्मल हो जाएंगे तब उसको पेश करने का हमारा विचार है। मेरा हमेशा मकसद ये रहा है, मेरा हमेशा अटेम्प्ट ये रहा है कि मैं खुद एक म्यूज़िक लवर हूँ, मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनने को अच्छा लगता है और अच्छा म्यूज़िक सुनाने को भी अच्छा लगता है। और जितना मैं क्लासिकल म्यूज़िक चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें एम ए भी किया है, मैंने बचपन से उसकी शिक्षा भी ली है, उतना ही मैं फिल्म म्यूज़िक को भी चाहता हूँ। तो दोनों फैकल्टीज़, क्लासिकल म्यूज़िक एंड फिल्म सॉन्ग्स, इक्वली मेरे से, मेरे तरफ से मैं अपने श्रोताओं को सुनाऊँ, ये मेरा हमेशा इंटेंशन रहा है।
और ये चलता रहेगा जब तक आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों का आप लोग इनकरेज करते रहेंगे, ये म्यूजिक बजता रहेगा भगवान की कृपा से। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शिवरंजनी आपके पसंदीदा रागों में से है तो शिवरंजनी हो जाए। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रैग्स इज शिवरंजनी। आई एम वेरी ग्लैड टू परफॉर्म फॉर माय ऑडियंस। थैंक यू। ये अलग रूपक काल की बंदिश है, इसकी उठान बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो मन बढ़ेगा। ये तबला से शंकर जी, हमें जब भी मौका मिलता है आप जैसे मूर्धन्य कलाकारों से बातचीत करने का, एक गुजारिश जरूर होती है मेरी कि कुछ फिल्मी गाने जो आपके दिल के करीब हों उनका मेडले अगर आप हमें सितार पर बजाकर सुनाएं, तो रागगिरी के जितने भी श्रोता इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अनुभव होगा। इस मेडली में सुपरस्टार राजेश खन्ना और किशोर कुमार, ये जो कमाल के गाने, उनकी थोड़ी ग्लिम्स मैं पेश करना चाहता हूँ।
यू, नमस्ते, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी संगीत साधना यूं ही चलती रहे, आपकी संगीत की महक यूं ही फैलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।